ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी वाली भी स्लाइड है, जैसे फ्रॉग का ग्लास्टुला है, गैस्टुला स्टेज है, बीएस मींस वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। तो फ्रॉग की ग्लास्टुला स्टेज की स्लाइड है ना। मैंने आप लोगों को क्लास में ये भी चीज बताया था, रेगुलर बच्चे हो या प्राइवेट बच्चे हो, ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को एम्ब्रियोलॉजी का स्टडी जब करते हैं ना, तो हम जरूर ये पढ़ेंगे कि कभी भी सेल डिविजन में आफ्टर फर्टिलाइजेशन है ना, कि किसी भी एनिमल का जब फर्टिलाइजेशन होता है, ये कॉर्डेट एनिमल की अब बात हो रही है, तो कॉर्डेट एनिमल में फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और जायगोट इज फर्स्ट सेल, जायगोट एक फर्स्ट सेल होती है बच्चों, और जायगोट जो है, जायगोट का जो फर्स्ट सेल रहता है वो यहाँ पर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, उसके डिवीजन को हम क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज शुरू हो जाता है दो दो से, चार चार से, आठ आठ से, सोलह सोलह से, बत्तीस बत्तीस से, चौंसठ, ठीक है, चौंसठ से आपका 128 सेल है ना, यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद हम इसमें ब्लास्टुला बोलते हैं, ब्लास्टुला सेल में ब्लास्टोसिस्ट कैविटी पाई जाती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में मोरूला का फॉर्मेशन होता है, मोरूला में सेल पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेता है, सेल में जितनी भी छोटी बड़ी सेल रहते हैं, छोटे साइज वाली सेल को हम माइक्रोमर बोलते हैं, बड़े साइज वाली सेल को हम मैक्रोमर बोलते हैं, है ना, ठीक है। और पूरी तरह से उसे कम्प्लीटली वो क्या कर लेता है बच्चों, ऑक्यूपाई कर लेता है, और मलबरी के शहतूत के फल की तरह भी हमें मोरूला स्टेज दिखाई देने लगती है। इसके बाद की जो अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रुला स्टेज। गैस्ट्रुला स्टेज में ही इवोल्यूशन होता है, सेल अंदर की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आपको डिस्क्राइब करके बता रही हूँ। और मोरूला स्टेज में ही सेल जो है वो अंदर की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं, और आगे चलकर इन्हीं से ये तीन जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, और यही तीन जर्म लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो है वो संभावी प्रिजम्प्टिव फैट मैप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फैट मैप का मतलब होता है भविष्य में बनने वाले अंग, ठीक है, भविष्य में बनने वाले जो अंग है, अंग के फॉर्मेशन को ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं, क्योंकि ऑर्गन का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, है ना। ये हमेशा याद रखना है, एक्टोडर्म से क्या बन रहा है ना, एक्टोडर्म से जैसे सपोज करें नर्वस सिस्टम बन रहा है, मेसोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू बन रहे हैं, ब्लड बन रहा है, ठीक है, एंडोडर्म से आपके विजुअल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन या एंडोस्केलेटिन बन रहा है, बोन्स बन रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़कर याद रखिएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो